हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। और इससे पहले की वर्कशीट आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वर्कबुक इंग्लिश क्लास सेकंड की है ये। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड। जिस लाइन वर्ड के नीचे लाइन खींची हुई है उसको हमें देखना है। ही इज़ रवि, ही के नीचे लाइन है। शी इज़ कमला, शी के नीचे लाइन है। शी किसके लिए यूज़ होता है? लड़कियों के लिए। और ही यूज़ किया जाता है लड़कों के लिए। तो हम नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ही शी। ही शी का इस्तेमाल करते हुए हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डैश इज़ सोहन, सोहन कौन है? लड़के का नाम है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ही। डैश इज़ इन माई क्लास, तो सोहन लड़का है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ही इज़ इन माई क्लास। अगला, डैश गोज टू स्कूल डेली, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अगला, ही प्ले विद मी। अगला, ही इज़ अ गुड बॉय। लड़के के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने सब में? ही। इसी तरह आगे, शी इज़ अ नेहा, नेहा कौन है? गर्ल, तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया? शी। शी इज़ माई सिस्टर, शी गोज़ टू स्कूल डेली, शी प्ले विद मी, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो शी के लिए क्या इस्तेमाल किया? शी। वो गर्ल के लिए क्या इस्तेमाल किया? शी। और बॉय के लिए ही। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।